परेड विश्राम, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कैप, मास्क, बेल्ट, सेफ्टी शू और लेनियार्ड, शोल्डर ब्याश नहीं उतारेगा। अपनी ड्यूटी के दौरान हमेशा यूनिफॉर्म पे रहेगा और सख्त से सख्त ऑर्डर है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सिविल कपड़ा नहीं पहनेगा। अपनी ड्यूटी के दौरान टकाटक और ड्यूटी पॉइंट पे तैनात रहेगा। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखेगा। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोस्ट बिना बतलाए, बिना पूछे, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के नहीं छोड़ेगा। अपनी पोस्ट पर चारों तरफ नज़र रखेगा। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखेगा। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इस बात का ध्यान रखे, सिग्नेट प्लांट से जो भी सामान, जो भी मटेरियल आता है, जाता है, तो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र पहले पेपर चेक करें, पेपर में क्या लिखा है उसके मुताबिक गाड़ी में जो भी मटेरियल है, जो भी सामान है, उसको अच्छी तरह चेक करें और उसके बाद मटेरियल रजिस्टर में एंट्री करें। बिना चेकिंग का, बिना तलाशी का, बिना एंट्री का, बिना पेपर का कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान सिग्नेट प्लांट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ही तो अंदर आना चाहिए। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को हमेशा याद रखना है। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र चेयर के ऊपर नहीं बैठेगा, वो खड़ा रहेगा और चारों तरफ नज़र रखेगा। अपने एरिया में घूमता हुआ नज़र आएगा, अपने दायरे में रहेगा, दायरे के बाहर नहीं जाएगा। मेन गेट या कोई भी गेट पर गेट बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, वक्त आने पर गेट खोला जाएगा, वरना गेट खुला नहीं छोड़ना है। गेट के ऊपर हमेशा संतरी को, गार्ड को, सुपरवाइज़र को रहना है। गेट छोड़कर दाहिने बाएं इधर उधर नहीं जाना है। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपना पॉइंट नहीं छोड़ना है, अपने पॉइंट पर रहना है और चारों तरफ ध्यान रखना है। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इस बात का ध्यान रखे, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी हरकत नहीं होना चाहिए, कोई भी घटना या दुर्घटना नहीं घटना चाहिए, कोई भी व्यक्ति से मिसव्यवहार या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नम्रता और प्रेम से बात करना चाहिए, हर आने जाने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपनी ड्यूटी के दौरान वो हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। परेड सावधान।